दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे चैनल जिसका नाम देव सारेश्वर है। दोस्तों मैं ये समझ रहा था कि हम आम से आम व्यक्ति तक अपने ईश्वर, अपने परम पिता, अपने परम शक्ति का क्या दायित्व महसूस कर सकते हैं। जैसे एक आम आदमी जिसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना हो, ईश्वर के बारे में पता ना हो, तो भक्त बन सकता है? पर जब मैंने सोचा भक्त तो हर कोई बन ही नहीं सकता। भक्त बनने की तो बहुत बड़ी परिभाषा है। तो फिर एक आम आदमी क्या करता है? बहुत प्यारा टॉपिक है दोस्तों, थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए। मैं अलग टाइप के टॉपिक लेके आता हूँ। मेरा टॉपिक ये नहीं रहता है कि भाई कल के अवतार कहाँ हैं, कैसे हैं, आएंगे या नहीं आएंगे। मतलब मेरा ये नहीं, मेरे को तो पता है कि अवतार जब आ चुके हैं तो आएंगे भी। मतलब एक बार हमें विश्वास है कि अवतार इससे पहले सारी दुनिया में आए हैं, यानी आने का प्रचलन है, तो आएंगे भी, होंगे भी, उनकी शक्तियाँ भी पता, उनका ये भी पता, वो क्यों आते हैं। सवाल ये है कि बस मेरा टॉपिक दूसरे टाइप का रहता है। वो आएंगे तो क्या काम करेंगे, क्या वो काम हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मतलब धर्म की रक्षा करके चले जाएंगे तो हम फिर आम आदमी का या यहाँ के उन लोगों का जिनके लिए वो आते हैं सुरक्षा के लिए, सदाचार के लिए, प्यार के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, उनका काम क्या रह जाता है? मैं इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता कि वो आएंगे या जो लोग आए थे या फिर भी कोई आएगा, ये नहीं। मेरा है कि वो जैसे पहले आए थे, मुझे पता है कि वो धर्म की रक्षा करने के आए और करके चले गए, हमें भी तो कोई जिम्मेदारी दे गए। तो उसमें मैं कैटेगरी सोच रहा हूँ कि भाई जैसे मैं हूँ, आप हैं, आप सुनने वाले, तो हम लोग तो बहुत डिफरेंट हैं, करोड़ों में थोड़े अलग हैं। आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, हमारा एक स्टैंडर्ड है उस चीज़ का। एक स्टैंडर्ड का मतलब वैसे स्टैंडर्ड नहीं, एक स्टैंडर्ड मतलब एक लेवल है। क्षमा कीजिएगा, स्टैंडर्ड को लोग गलत रूप में यूज करते हैं, उस तरह से ना लें। मतलब हमारा एक लेवल है कि भाई हम इस लेवल तक बात कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ आम व्यक्ति जिसको ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, उसका क्या रोल है इस चीज़ में? और आते हैं वो आम जनमानस के लिए ज़्यादा, जो धर्म की रक्षा वाली बात है वो सबके लिए है। मगर वो कहते हैं ना, जैसे ज़्यादा नियम बनते हैं सरकार के भी नीचे, संसार के, सरकार के भी नियम आम के लिए होते हैं, कुछ खास के लिए नहीं। ऐसी ईश्वर भी जो आम जनमानस है, जो अपनी बात नहीं कह सकते या जो ज़्यादा ऐसी चीज़ होती है कि फैल गई या धर्म फैलता जा रहा, तब उनके लिए आते हैं। आम में सब आ जाते हैं, खास भी। तो मैं कह रहा था कि आम में, आम के लिए हम क्या सोचें कि वो क्या क्या करते होंगे ईश्वर के आग लाने के लिए या ईश्वर चले गए धर्म की रक्षा करके, उसके लिए क्या करते होंगे? आप भी सोचिए, मैं तो ये सोच रहा हूँ। दो प्रकार के होते हैं, या तो आस्तिक हैं, भाई मानते हैं ईश्वर है, या नास्तिक हैं, मानते नहीं। जो मानते हैं उसमें भी आम, मतलब जैसे मान भी लिया, हाँ भाई है, भाई ठीक है भाई, और तटस्थ हो गए वो कि भाई है, मगर ज़्यादा वो उन पर उनके बस इतना मान लिया ईश्वर है और बाकी अपने कर्म में वो पूरे लीन है। पर उन्होंने मान दिल से लिया कि मतलब ना कोई लालच है, ना कोई मांगना है ईश्वर से, बस मान लिया हाँ है भाई, है परम पिता, परम शक्ति है। ऐसे करके ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। फिर थोड़ा सा आगे जिनको पता चल जाए, मतलब बीच में बता दूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जैसे भाई आपको पता है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का नाम क्या, किसी प्रदेश में मान लिया किसी ने पूछ लिया, तो बहुत सारे लोग तो ऐसे नाम ही नहीं पता उनको। मुख्यमंत्री की क्या पावर होती है ये भी नहीं पता, कैसे मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, किस प्रक्रिया से, ना ये पता। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इससे मतलब नहीं पता। हाँ मुख्यमंत्री होते हैं, हाँ जी, बहुत से ऐसे भी नहीं पता होते भी हैं कि नहीं होते हैं। पूरा मंत्रिमंडल पूछ लें तो बिल्कुल नहीं पता होगा। तो ऐसे ही ईश्वर के बारे में कि हाँ है, बस इतना पता है, देखे नहीं देखे तो है ही नहीं, खैर। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको सिर्फ इतना मतलब है, या तो है या नहीं है। फिर उनमें आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे आते हैं, जिनमें जैसी कोई पीड़ा हुई, वो जो दूसरे हैं वो ऐसे हैं कि पीड़ा होने पे ये नहीं कहते कि क्या हो रहा है,
क्या लिख दिया नसीब में आपने हमारे, ये वो सीधे एकदम इतनी बड़ी पुकार नहीं करते ऊपर वाले से, क्योंकि वो इतने कनेक्ट ही नहीं होते, तो उनका अंतरात्मा करेक्ट कनेक्ट होती है, मगर वैसे नहीं कनेक्ट होते कि मेरे नसीब में क्या लिख दिया, रोना लेके बैठ गए या कुछ अच्छा मिल गया तो धन्यवाद देने बैठ गए। ऐसे जो लोग हैं वो बहुत बहुत होते हैं, वो भी थोड़ा आगे जाते हो, या थोड़ा और मैं बोल दूँ कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको घर में शिकायत भी करनी नहीं आती कि मेरे को ये नहीं दिया आपने, मुझे क्यों नहीं दिया, या मुझे दे दिया कि धन्यवाद, कुछ ऐसे भी होते हैं तटस्थ रहते हैं अपनी लाइफ में, बस ठीक है जो मिल गया सही है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको हर बात अपनी कहनी आती है, माँ बाप से, गुरु से, इस तरह की चीज़ों में, तो उन पर आ जाओ जो ऐसे होते हैं जनमानस, जिनको जरा ही तकलीफ आई तो सीधे वो प्रार्थना लेकर बैठ गई ऊपर वाले से, उनको उनको ऐसा लगता है कि जैसे है और बहुत करीब है और वो सुन रहे हैं हमारी बात, सुन लेंगे, उनका दुख आया तो ये रोना रो दिया, लगा बस सुना दिया हमने, कोई सुख आया तो कह दिया ईश्वर बहुत धन्यवाद आपका कि आपने कृपा की, एक ही हो गए, एक इससे अधिक जिन पे ये कृपा हो जाती है कि नहीं ईश्वर है, मेरे तो सारे काम प्रभु आपने ठीक करे, उनको ये विश्वास हो जाता है कि है, और बिगाड़े भी आपने इस करे भी ठीक आपने, बस प्रभु जैसे आपको हो, वो थोड़ा सा अगली श्रेणी में आ जाते हैं, उसमें आ जाते हैं कि जिनको भाई अच्छे अच्छे भजन लेके आओ, भजन सुनने हैं, जिनको जो अलग टाइप से लीन रहते हैं उनको नहीं पता कि वो कितने लीन है, पर वो है, कहीं भजन सुन लिया आते जाते भी मग्न हो गए, बच्चों से बोल दिया या खुद ही बच्चे अगर वो हैं तो बोल दिया भाई चलो भजन सुना दो, लगा दो कोई, कहीं हरी चर्चा हो गई, खुश हो गए, वो ऐसे थोड़ा और आगे जाओ, वो और हो गए कि उनको उनको कुछ अलग टाइप के दर्शन या दिव्य शक्तियों का एहसास होने लगता है कि नहीं, है हमें उनकी चर्चा करनी चाहिए, हमें उनकी भजन करने चाहिए, हमें उनका अनुभूति करनी चाहिए और हमें ये करना ही चाहिए, वो इस तरह की बातें भी करते हैं फिर औरों से कि नहीं, हमें ईश्वर को मानना चाहिए, ये उन्हीं का बनाया हुआ संसार है, हम यहाँ हैं, और ईश्वर की आस्था के प्रति प्रचार भी करेंगे, मतलब एक अपने लेवल पे, ऐसे बहुत लोग हैं, एक उससे आगे हैं जो यहां तक पहुंच जाते हैं कि धर्म क्या है और ईश्वर क्या है, धर्म क्या है ईश्वर क्या नहीं, ये धर्म हमारे ईश्वर ने बनाया है, इसकी रक्षा करना जरूरी है, और उनका बिल्कुल डेडिकेशन समर्पण ऐसे हो जाता है जैसे कि नहीं हम तो रह ही नहीं सकते इनके बिना, उनको अभिन्न लगता है अंग ईश्वर से अपना, उनको लगता नहीं कि अलग है, उनको हर समय महसूस होता है हम ईश्वर के, हमारे ईश्वर, और धर्म के प्रति अपने खुद के अवतार के ईश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पण कि नहीं यह है, और हमारा हम उनके प्रति अगर समर्पित नहीं है, अगर नहीं मान रहे हैं तो ये हम गलत कर रहे हैं अपने प्रति और ईश्वर के प्रति, तो एक ऐसी भावना आ जाती है, ऐसे भी होते हैं। फिर अगली श्रेणी आती है, वो इतनी नॉलेज रखते हैं कि अवतार लेके आते हैं, कौन से अवतार हुए, कब अवतार हुए, कितने अवतार हैं, क्यों हैं, कैसे ले जाएंगे अवतार, क्या क्या बातें होंगी, जैसे हम और आप कर रहे हैं बात, वो उस श्रेणी में आते हैं कि जो अवतारों की बातें भी जानते हैं कि अवतार भी लिए जाते हैं, अवतार क्यों लिए जाते हैं, अब तक कौन से अवतार हुए, अवतार धर्म की रक्षा के लिए जाते हैं, धर्म क्या होता है, धर्म किसके लिए होता है, धर्म ना रहने पे क्या होता है, धर्म की क्यों आवश्यकता है, अधर्म कहाँ पनप रहा है, क्यों पनप रहा है, जो इस लेवल पर आ जाते हैं, इस लेवल की बात, इसके अलावा और बहुत सारे लेवल जो मैंने इनका डिस्कशन नहीं किया, मैं सिर्फ यहाँ कह रहा हूँ सीधे इस लेवल पर आ गया मैं और आप जो बात कर रहे हैं, इस लेवल पे आके हम ये चर्चा कर रहे हैं, मतलब लेवल भी देखिए कि अवतार आते हैं, क्योंकि हम आते हैं तो हमें पता है वो कैसे होते हैं, किस बात के लिए आते हैं, अब इतनी बातें हैं इससे पहले आ चुके हैं तो हमें पता ही है अवतार कैसे कैसे होते हैं, वो बता चुके हैं अवतार अपने बारे में कि मैं हम ऐसे होते हैं, हम इस बात के लिए आते हैं,
कभी किस रूप में जन्म लेते हैं, कभी किस रूप में जन्म लेते हैं, और अपना काम करके धर्म की रक्षा करके चले जाते हैं। इन सारों में जितने मैंने वर्णन किए, आम से लेके यहां तक, नास्तिक को छोड़ के सारे ईश्वर की अलग अलग तरीके से लिंक है ईश्वर से। ईश्वर तो सबसे लिंक है ही, सब में है ईश्वर, मगर जिस तरीके से लिंक अलग अलग है, इसमें जो मैं भूमिका कह रहा हूँ, जैसे मैं ही हूँ, मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ, ये मेरी एक तरह से ड्यूटी कर दी गई, क्योंकि मेरे अंदर ऐसा वो जगा दिया गया कि भाई आप ये जागो, अंदर से जगाओ अपने आप को भी दूसरों को। दोस्तों ये वर्गीकरण है कि नहीं है, आज मैंने कुछ खास विशेष बात नहीं कही, मेरा टॉपिक तो कोई दूसरा है, आप बताइए वर्गीकरण है कि नहीं है, और ऐसे वर्गीकरण से समाज में ईश्वर किस तरीके से सब में विद्यमान है, और क्या कोई ईश्वर फर्क करते हैं आम से लेके यहाँ तक, पेड़ धरती आकाश वायु अग्नि जल सबके लिए बराबर है। तो दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके बताइए।